हाँ जी, क्या मुद्दा रहा है? दादूपुर नलवी नहर उत्तरी हरियाणा की जीवन रेखा है। 1 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन बंजर होने की कगार पर है। 400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बना बनाया भारतीय जनता पार्टी की खट्टर सरकार बंद कर रही है। आज गुरनाम सिंह चडूनी जी, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और किसानों के नेता, कांग्रेस पार्टी के लोग, हम सब मिलकर राष्ट्रपति जी से आग्रह करने गए कि खट्टर सरकार के इस अन्याय को रोकिए, ऐसे कानून को रोकिए और ऐसे तुगलकी फरमान को रोकिए, ताकि किसान अपना जीवन यापन और उसकी रोजी रोटी वह खट्टर सरकार उसको छीन ना पाए। देखिए, आज माननीय राष्ट्रपति जी से मिले हैं, माननीय रणदीप सुरजेवाला जी ने टाइम तय करवाया था और माननीय राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छे तरीके से किसानों की बात सुनी है। हमने उनको ये बताया है कि ये बहुत ही उपजाऊ एरिया है, 3 फसली जमीन है और जो फालतू पानी है जिससे बाढ़ आती है, वो पानी उस क्षेत्र को लगना है जिसको डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। डार्क जोन में हम नया ट्यूबवेल नहीं लगा सकते, अगर पुराना ट्यूबवेल खराब हो जाए उसकी जगह भी दूसरा ट्यूबवेल नहीं लगवा सकते हम, हॉर्स पावर नहीं बढ़वा सकते मोटरों की। यानी आज अगर ये नहर बंद होती है तो अगले चंद सालों में पूरे उत्तरी हरियाणा का जीवन बिल्कुल एक तरह से बर्बाद हो जाएगा। वहां के किसान, वहां के मजदूर, वहां के छोटे दुकानदार बहुत एकदम बेरोजगार ही नहीं, बल्कि ये कह लीजिए कि पूरा उनका जीवन खेती के ऊपर निर्भर है, वो तबाह हो जाएगा। और माननीय राष्ट्रपति जी ने हमारी बात को बहुत अच्छे ढंग से सुनने के बाद हमें आश्वासन दिया है कि हम गंभीरता से इस मुद्दे को लेंगे।